टेक्निकल एम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेसबुक की चार खुफिया हिडन सीक्रेट सेटिंग के बारे में। यदि दोस्तों आप भी फेसबुक चलाते हैं और सीखना चाहते हैं चार हिडन सीक्रेट सेटिंग के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबाएं, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं, साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस करें, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें नाइस वीडियो जरूर लिखें। नंबर वन वाली सेटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ से आपने अपनी फेसबुक ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ से इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं थ्री लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नीचे की साइड जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सभी के फ्रेंड शो होते हैं। यदि आप इनको छुपाना चाहते हैं कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसको कोई ना देख पाए, तो वो आप कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसे ही आप सी ऑल पर क्लिक करेंगे, सी ऑल पर क्लिक करने के बाद वो फ्रेंड आपकी सभी फेसबुक फ्रेंड को देख सकता है कि आपके कितने फ्रेंड है, कौन कौन फ्रेंड है। उसके बाद दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी दिखती है, तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है थ्री डॉट पर। जैसे ही आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी दिखती है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके जो है फ्रेंड दिख जाएंगे और आपकी प्रोफाइल इस तरह से दिखती है वो भी आप पता कर पाएंगे। यदि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को छुपाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने फिर से बैक जाना है। बैक जाने के बाद थ्री लाइन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल सेटिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी, तो आपने प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे की साइड जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हु कैन सी यूर फ्रेंड लिस्ट, तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हाँ आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो पब्लिक है, आप इसको ओनली मी कर देंगे। जैसे ही ओनली मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं बैक कर दूंगा, तो अब दोस्तों मेरी जो है फ्रेंड लिस्ट को कोई भी फ्रेंड नहीं देख पाएगा। उसके बाद दोस्तों आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसे दिखती है, तो आपने फिर से थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे और व्यू अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है फ्रेंड लिस्ट हाइड हुई है या नहीं और फ्रेंडों को कैसी आपकी प्रोफाइल दिखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन होगी और नीचे की साइड चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रेंड का ऑप्शन है वो हाइड हो चुका है। यहाँ पर कोई भी फ्रेंड शो नहीं हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर शो हो चुकी है, फ्रेंड लिस्ट यहाँ से गायब हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को छुपा सकते हैं। बात करते हैं नंबर दो वाली सेटिंग की। नंबर दो वाली सेटिंग क्या है दोस्तों, आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते टाइम आपको काफी सारे ग्रुप में भी ज्वाइन होना पड़ता है और आप नहीं जानते कि ग्रुप से बाहर कैसे होते हैं, ग्रुप को लेफ्ट कैसे किया जाता है। उसके लिए दोस्तों आपने फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद ग्रुप वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपने यूअर ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूअर ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड आप देख सकते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉलोइंग मेंबरशिप, तो मेंबरशिप वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप मेंबरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कितने ग्रुप हैं। आप देख सकते हैं दो ग्रुप हैं। यदि आप दूसरे ग्रुप को लेफ्ट करना चाहते हैं या पहले वाले को लेफ्ट करना चाहते हैं, लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लेफ्ट हो सकते हैं। यहाँ से हम दोस्तों ग्रुप पर क्लिक करके दिखाएंगे। ग्रुप वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लीव हो सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, तो लीव ग्रुप आपने कर देना है।
जैसे ही आप लेव ग्रुप करेंगे तो यहाँ से आप इस ग्रुप से हट जाएंगे और ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी ग्रुप को लेव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं। यदि दोस्तों आप किसी ग्रुप को पिनअप करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, पिनअप ग्रुप वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको पिनअप कर सकते हैं। इस तरह से आप पिनअप कर पाएंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो ग्रुप जो है पिन हो जाएगा और सबसे ऊपर टॉप में रहेगा। बात करते हैं नंबर 3 वाली ट्रिक की। आप फेसबुक पर काफ़ी सारी रील्स देखते हैं और ऐसे में आपको कोई वीडियो, कोई रील्स पसंद आ जाए और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं बिना किसी ऐप के, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों आपने रील्स को या फिर उस वीडियो के लिंक को कॉपी करना है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं। कॉपी करने के लिए आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है या फिर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट या फिर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने कॉपी लिंक करना है और उसके बाद आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने स्नैप सेव लिखकर सर्च कर देना है और सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 4K 2K वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पेस्ट लिंक करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकेंड में ये यहाँ पर फॉर्मेट दिखा देगा कि आप किस फॉर्मेट में वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि 720, 360, 180p, जिस फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से 720p HD में कर लूँगा तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं काट दूँगा। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं वीडियो डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है, कुछ ही सेकंड में वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों आप फेसबुक की किसी भी वीडियो को बिना किसी ऐप के डाउनलोड कर पाएंगे। बात करते हैं नंबर 4 वाली सेटिंग की। नंबर 4 वाली सेटिंग से आप पता कर सकते हैं कि आपकी फेसबुक आईडी किसी ने हैक की है या नहीं। जानने के लिए सबसे पहले आपने फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे की साइड जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी एंड लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल ओप्पो A9 है और दूसरा है विंडो PC। यदि दोस्तों यहाँ पर अलग मोबाइल शो हो जाए तो आप समझ लेना आपकी फेसबुक आईडी हैक हो चुकी है, किसी अदर फ़ोन में खुली हुई है। आप उसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अपने 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप लॉग आउट कर देंगे और अपना पासवर्ड चेंज कर देंगे तो आपकी फेसबुक आईडी हैक होने से बच जाएगी। तो यहाँ से आपने पता करना है कि आपकी फेसबुक आईडी किस किस मोबाइल में ओपन है। यदि आपका मोबाइल नहीं है तो आपने जल्दी से लॉग आउट कर देना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।